दोस्तों बेजुबान जानवर जाने अनजाने में कई बार ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे उनकी जान पर भी बनाती है, पर कई बार ऐसे ऐन मौकों पर कोई ना कोई आकर उनकी जान बचा लेता है। और आज हम भी आपको कुछ ऐसे ही वीडियोस दिखाने वाले हैं जिनमें लोगों ने मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद कर उनकी जान बचा ली। अब जरा सबसे पहले इस वीडियो को ही देख लीजिए जहाँ पर एक ऊँट का बच्चा मुसीबत में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल यहाँ पर इस ऊँट के बच्चे के साथ हुआ ये था कि जब ये यहाँ से गुजर रहा था तब इसी दौरान पेड़ के सूखे तने में इसका पैर फंस जाता है और इस ऊँट के बच्चे का पैर इस पेड़ के तने में कुछ इस तरह फंसता है कि जिसे ये बाहर भी नहीं निकाल पाता है और यहीं पर गिरकर रह जाता है। लेकिन दोस्तों आज इस ऊँट के बच्चे की किस्मत काफी अच्छी थी क्योंकि इसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर कुछ टूरिस्ट आ जाते हैं और इसे यहाँ से आजाद करने के लिए कोशिशें शुरू कर देते हैं, जिनमें सबसे पहले एक शख्स पेड़ की टहनी को काटने लगता है और धीरे धीरे करके उस पेड़ की टहनी को काट के अलग करके बड़ी आराम से इसके पैर को वहाँ से निकाल देता है। लेकिन दोस्तों अगर आज ये लोग यहाँ पर समय पर नहीं आते तो शायद इस ऊँट के बच्चे की जान नहीं बच पाती। अब जरा सासन गिर के आसपास के किसी गांव से रिकॉर्ड इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको एक एशियाई शेर दिखाई दे रहा होगा जो कि पता नहीं किस वजह से एक गहरे कुएं में गिरा हुआ है। अब ये शेर इस कुएं में कब से गिरा है इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन फिर भी आप शेर की हालत देख सकते हैं कि ये कुएं में गिरने की वजह से कितना आहत हो रखा है। पर जो भी हो यहाँ पर मौका रहते ही वन सेवा के अधिकारी आ जाते हैं और इस शेर को बाहर निकालकर इसकी जान बचा लेते हैं और साथ ही इसे सीधा जंगल में छोड़ने के बजाय अपने साथ रेस्क्यू सेंटर ले जाते हैं ताकि ये उसका सही से इलाज करके इसे वापस जंगल में छोड़ सके। अब दोस्तों जरा इस बतख की हालत देखिए जिसकी चोंच और गर्दन के बीच में एक प्लास्टिक की रिंग कैसे फंसी हुई है। यहाँ पर आप भी साफ साफ देख ही सकते हैं कि प्लास्टिक की रिंग फंसने की वजह से ये बतख अपनी गर्दन को सीधा भी नहीं कर पा रही है। हम आपको बता दें ये बतख कई दिनों से अपनी गर्दन के बीच इस रिंग को लेकर ऐसे ही घूम रही थी, लेकिन तभी इसके ऊपर कुछ नेक दिल लोगों की नजर पड़ती है और वो तुरंत इस बतख को पकड़ के इसकी गर्दन से उस रिंग को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अब जो भी हो रिंग के बाहर निकलते ही आप भी साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि ये बतख कितना ज्यादा खुश दिखाई पड़ रही है। अगली इस वीडियो में आप एक कुड़ू नामक हिरण को देखेंगे जो कि पता नहीं किस तरह इन तारों के बीच में फंस जाता है और ये तारों के बीच कुछ इस तरह फंसता है कि ये बाहर निकलने में पूरी तरह असक्षम होता है। लेकिन आज इस हिरण की किस्मत भी काफी ज्यादा अच्छी थी और इसी वजह से इसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर एक शख्स आ जाता है जो कि तुरंत ही बिना देर किए इसकी मदद करता है और इस हिरण को यहाँ से आजाद कर देता है। तारों से आजाद होने के बाद आप भी देख सकते हैं कि ये हिरण खुशी खुशी यहाँ से जंगल की ओर कैसे भागता है। यहाँ पर एक बकरी का बच्चा गहरे कुएं के अंदर गिर जाता है और पानी के अंदर डूबने लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी समय रहते रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और बकरा थकार कर डूबने लगता उससे पहले उसकी जान बचाने के लिए रेस्क्यू टीम का एक मेंबर पानी के अंदर उतर जाता है और जल्दी से उस बकरी के बच्चे को रस्सी की मदद से बांध कर तुरंत ही बाहर निकाल लिया जाता है। रेस्क्यू टीम बकरी के बच्चे को बाहर निकालने के बाद उसकी पूरी तरह जाँच करती है कि आखिर वो पूरी तरह स्वस्थ है या नहीं, और जब रेस्क्यू टीम को पूरी तरह आश्वासन हो जाता है कि अब बकरी का बच्चा पूरी तरह ठीक है तो सभी रेस्क्यू टीम के मेंबर उसे उसकी मां के साथ छोड़ देते हैं। इस डोंकी की हालत देखकर तो आप और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे क्योंकि ये बेचारा पता नहीं किस तरह इस नाले के अंदर उल्टा गिर जाता है और उल्टा गिरने की वजह से इस नाले के अंदर कुछ इस तरह फंस जाता है कि ये बाहर भी नहीं निकल पाता है। दोस्तों यहाँ पर आप भी साफ तौर पर देख ही सकते हैं कि ये डोंकी किस तरह फंसा हुआ है जिससे ये बाहर निकलना तो दूर बल्कि यहाँ से हिल तक नहीं पा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी समय रहते रेस्क्यू टीम आ जाती है और इस डोंकी को बाहर निकाल के इसकी जान बचा लेती है। ये बैल भी पता नहीं किस तरह पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और काफी दिनों तक इसी के अंदर फंसा रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ही लोगों को बैल की खबर मिलती है तो वो तुरंत ही रेस्क्यू टीम को खबर कर देते हैं और जिसके बाद तो रेस्क्यू टीम भी तुरंत ही मौके पर आ जाती है और इसकी जान बचाने में जुट जाती है और बड़ी आसानी से इस बैल को रस्सियों की मदद से बांध कर बाहर निकाल लिया जाता है। इस बेचारे कुत्ते का सर पता नहीं किस तरह एक प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर फंस जाता है और इसी वजह से ये ऐसा ही होकर इधर उधर घूमते रहता है। लेकिन इसकी मुसीबत को भी कम करने के लिए यहाँ पर रेस्क्यू टीम आई जाती है और इस कुत्ते की जान बचाने में जुट जाती है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही प्लास्टिक की बाल्टी में फंसा रहता तो भूख और प्यास के चलते मात्र कुछ ही दिनों में इसकी जान चली जाती। पर दोस्तों भगवान की कृपा से ऐसा नहीं हुआ और रेस्क्यू टीम ने तुरंत ही इसकी मदद करके उस प्लास्टिक की बाल्टी को इसके सर से अलग कर दिया।
अगली इस वीडियो में रेस्क्यू टीम को एक गाय का बीमार बछड़ा मिला, जो कि कुछ इस तरह बीमार था कि जमीन से भी नहीं उठ पा रहा था और कीचड़ वाली जगह में फंसा हुआ था, जिसकी हालत देखकर आप भी सोच सकते हैं कि इसकी जान कितनी ज्यादा खतरे में फंसी थी। लेकिन दोस्तों, रेस्क्यू टीम इसकी जान को दोबारा से बचाने के लिए इसे उठाकर रेस्क्यू सेंटर ले जाती है और इसका इलाज शुरू कर देती है। और कमाल की बात ये भी होती है कि जब रेस्क्यू टीम इसका इलाज करती है तो ये धीरे धीरे करके दुरुस्त होने लगता है और कुछ दिन बाद पूरी तरह ठीक हो जाता है। बछड़े के पूरी तरह ठीक होने के बाद आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये कितनी खुशी से चारा खा रहा है और आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर समय पर रेस्क्यू टीम इसकी जान नहीं बचाती तो इसकी जान तो जानी तय थी। सलाम है रेस्क्यू टीम को। यह कुत्ता इस गेट के बीच में तब फंस गया जब ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, और ये कुत्ता यहाँ पर कुछ इस तरह फंसता है जिसकी वजह से इसे बाहर नहीं निकाला जा रहा था, और इसी वजह से लोगों ने तुरंत ही रेस्क्यू टीम को खबर दे दी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम भी तुरंत ही मौके पर आ जाती है और इस कुत्ते को यहाँ से आजाद करके इसे मुसीबत से छुटकारा दिलाती है। ठीक ऐसा ही पिछले वाले कुत्ते की तरह इस कुत्ते के साथ भी हुआ, जो कि दरवाजे से निकलने के दौरान ही इस दरवाजे के अंदर फंस जाता है और दरवाजे में बुरी तरह फंसने की वजह से यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाता है, जिसके चलते इसको बाहर निकालने के लिए यहाँ पर तुरंत ही रेस्क्यू टीम को खबर दी जाती है और रेस्क्यू टीम मौके पर आकर इसको यहाँ से आजाद करती है। दोस्तों, अगले इस कुत्ते की हालत देखकर तो आप और भी ज्यादा दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये कुत्ता चारकोल के अंदर कुछ इस तरह फंसा हुआ है जिसे देखकर कोई भी दुखी हो सकता है। यहाँ पर चारकोल में फंसे होने की वजह से इस कुत्ते की हालत इस कदर खराब हो गई है कि ये खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। इसलिए रेस्क्यू टीम ने इसको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले जेसीबी बुलाई और उस जेसीबी की मदद से इस कुत्ते को यहाँ से चारकोल सहित बाहर निकाला, और एक साफ सुथरी जगह पर लेटाने के बाद ये रेस्क्यू टीम के मेंबर इसे अपने साथ ले जाते हैं और रेस्क्यू सेंटर ले जाकर इसका इलाज शुरू कर देते हैं। और कुछ दिनों तक इसकी देखभाल करने के बाद ये कुत्ता पूरी तरह ठीक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अगर रेस्क्यू टीम समय पर नहीं आती तो इस कुत्ते की जान बच पाना लगभग नामुमकिन थी। सबसे आखिरी वाले इस वीडियो में जब इस कोबरा को रेस्क्यू किया जा रहा था, तब इसी दौरान इसे प्यास लगती है और इसी वजह से यह बार बार पानी की मांग करने लगता है। इसी वजह से एक शख्स इसकी बात को समझ जाता है और तुरंत इसके ऊपर बोतल की मदद से पानी डालता है और एक कोबरा उसे पीने लगता है, जिसके चलते इसके बाद तो ये शख्स इसके मुँह से इस बोतल को लगा के इस कोबरा को अच्छे से पानी पिलाता है। लेकिन दोस्तों, इन सभी वीडियोस को देखने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि कुकार से कुकार जानवरों से लेकर मासूम से मासूम जानवरों को भी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है, और ये भी कई बार ऐसी मुसीबत में फंस जाते हैं जिससे ये बिना किसी की मदद के बाहर नहीं निकल पाते हैं। खैर दोस्तों, जो भी हो, हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि अगर कोई भी जानवर मुसीबत में फंसा हुआ दिखाई दे तो उसकी जरूर मदद करे और उसकी जान बचाए। तो आशा करते हैं आपको आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।